नरसिंहपुर जिला के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में डंपर परिचालक संघ सागर नरसिंहपुर के साथ बैठक की गई, जिसमें डंपर परिचालक संघ ने परिवहन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में परिचालक संघ द्वारा बताया गया कि रॉयल्टी देने के बाद भी अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जा रहे, साथ ही सही दस्तावेज होने के बाद प्रकरण बनाए जा रहे हैं। यदि डंपरों से अवैध परिवहन किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाए, लेकिन खनिज विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई जाए, साथ ही प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा निर्धारित की जाए। बैठक में कलेक्टर एवं एसपी ने डंपर परिचालक संघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि अवैध वसूली किए जाने पर इसकी सूचना तत्काल देना सुनिश्चित करें, प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाएगा, साथ ही कार्यवाही के दौरान पूर्ण पारदर्शिता के साथ वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्ण बैठक कर चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। संवाददाता नरसिंहपुर सुमित साहू। ये लेकिन एक सिस्टम हो गया है, पिछले एक साल से सर ये क्या कर रहा है, पहले भी यहाँ गाड़ियाँ चलती रही हैं लगभग जैसे गाड़ा वाला। आज डंपर संचालकों के साथ हमने एक बैठक रखी थी, कुछ दिन पहले उन्होंने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के संदर्भ में हमने उनकी समस्याओं को समझने के लिए और उसका जिला स्तर पर क्या निदान हो सकता है उसके संदर्भ में आज चर्चा हो की थी। जो उनकी मुख्य रूप से समस्याएं थी ओवरलोडिंग को लेकर ज़्यादा उनको थी, उसे हमने आश्वस्त किया है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में सभी वाहन मालिकों के साथ एक जैसी कार्रवाई वैसी कार्रवाई की जाएगी। वो चाहते थे कि जब जाँच हो तब उसकी वीडियोग्राफी हो, वो भी हमने कहा है कि हम वीडियोग्राफी सुरक्षित करा लेंगे। इस तरह के उनके इश्यूज थे, इसमें आपस में बैठ कर निराकरण हो गए काफ़ी हद तक। सर यदि नियम के तहत डंपर चलेंगे तो उसमें रेत की मात्रा लगभग आधी आएगी, इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ेगा, जो नहीं रेट रेट उसी दाम में उसे। इसमें देखिए ऐसा जो ओवरलोडिंग के संबंध में जो नियम है वो भारत सरकार के बनाए हुए हैं, उसके उसमें परिवर्तन हम लोकल लेवल पर नहीं कर सकते। जो नियमों के साथ जो कार्रवाई होंगी उसका पालन कराने की हम बात करें। कार्रवाई को लेकर भी मांग की जाती है, उनका ये कहना था कि प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है और ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि थाने से माइनिंग ऑफिस में आने में, माइनिंग ऑफिस से कलेक्टर न्यायालय तक केस आने में टाइम लगता है। हमने उनको कहा है कि इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक लेके आए। डंपर यूनियन नरसिंहपुर और जिला सागर ने इकट्ठा होकर आज हमारे साथ एक मीटिंग की, जिसमें कलेक्टर साहब और मैं मौजूद रहे। उसमें उनके जो मुख्य बिंदु रहे वो रेत परिवहन को लेकर हुए कि डंपर जो हैं वो जो बॉडी की हाइट है उतनी हाइट तक उनको इजाज़त दी जाए चलाने के लिए, जिनके बारे में उन्हें समझाइश दी गई, बताया गया जो नियम कानून है जिसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उनका कहना था कि जब भी कोई कार्रवाई की जाए जिले में रेत परिवहन के ऊपर तो उसकी विधिवत वीडियोग्राफी हो और कलेक्टर कार्यालय में जो है उनका निराकरण जल्दी हो। इस संबंध में सभी से चर्चा की गई और सबको आश्वासन दिया गया कि जिला प्रशासन जो है इन पर काम करेगा। ये उन्होंने बताया कि कई थानों में उन्हें ऐसी परेशानी आ रही है, डायल 100 को लेके ऐसी कोई आ रही है। इस संबंध में सभी को हमने आश्वासन दिया और अपने फ़ोन नंबर भी दिए, कोई भी ऐसी कोई शिकायत आती है जिसमें कोई थाने से संबंधित जो होती है उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उनको भी ये हिदायत दी गई कि वो कोई इलीगल काम ना करें, कोई इलीगल अपना रेत परिवहन ना करें, विधिवत तरीके से जितनी उनको रॉयल्टी है और जितना उनका परमिशन है उसके हिसाब से उनका संचालन करें। डंपर यूनियन की समस्या है, रोज़ आए दिन केस बनाए जा रहे हैं गाड़ियों पे, इससे हम सब आहत थे। इस परेशानी को लेके कलेक्टर साहब के समक्ष आए हैं कि हम सब वैध तरीके से गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो जो हम लोग वैध रॉयल्टी लेके गाड़ी चलाएं इसके लिए कैसे आप नियम बनाएंगे, हम लोग एक नंबर में गाड़ी चला पाएँ, इस बात के लिए हम लोग सब आज यहाँ एकत्रित हुए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि आगामी 7 दिनों में ऐसी कोई नीति निर्धारण करेंगे कि जिससे हम सब एक लीगल तरीके से गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन कर सके, संचालन कर, और लग रहा है कि कुछ सुधार होगा। आज तरीके से हम लोग एकत्रित हुए हैं, कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने भी जवाबदारी से बात की है और लग रहा है कि हम लोगों की जो समस्या है उसमें सुधार होगा। क्या नाम है?